महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक को हिरासत में ले लिया गया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट या प्रवर्तन निदेशालय ने आज सुबह 5 बजे उनके घर पर एक तरह से दबिश दी, छापा मारा, उनसे पूछताछ करी, उसके बाद वो उनको ऑफिस ले गए और वहां पर गिरफ्तार कर लिया और 8 दिन की अब हिरासत में वो रहेंगे, इनसे पूछताछ की जाएगी। इस संबंध में हमने 9 नवम्बर को एक वीडियो शेयर किया था, वो इस वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं, जिसमें देवेंद्र फडणवीस द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को विस्तार से बताया गया था। इसी संबंध में सुप्रिया सूले, जो कि एनसीपी की नेता हैं, शरद पवार, संजय राउत जो कि नेता हैं शिवसेना के, और आखिरी में अखिलेश यादव ने भी अपना इंटरव्यू दिया है, अपनी बात रखी है। तो आप देखना ना भूलें 9 नवंबर का हमारा वो वीडियो जिसमें विस्तार से बताया है इनके ऊपर क्या आरोप हैं। आइए सुनते हैं कि सबसे पहले सुप्रिया सूले क्या कहती हैं। इनसे बीजेपी के प्रवक्ता कार्यकर्ता हितचिंतक उनके ट्वीट करे जा रहे थे कि नवाब भाई और महाविकास आघाड़ी के खिलाफ ईडी नोटिस आएगी, ये होगा वो होगा, वो आज हो गया है। वो जो उनके यहाँ जो इन्फॉर्मेशन, वो जो षडयंत्र महाविकास आघाड़ी के खिलाफ ये बीजेपी के प्रवक्ता और सब कर रहे थे, वो आज होते हुए पूरा महाराष्ट्र देख रहा है। दुख की बात ऐसी है कि ना नोटिस आई ना कुछ आया, महाराष्ट्र के एक मंत्री को डायरेक्टली ईडी ने ईडी के ऑफिस में लेके गए। ये कौन सी नई राजनीति इन्होंने शुरू की है, मैंने देश में पहली बार ही ऐसा देखा है कि ऐसा आज हो रहा है। लोगों को उनके घर से मंत्रियों को लेके जा रही है, ये महाराष्ट्र का अपमान है। चौथे चरण का चुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहा है, कुछ ऐसा नहीं, अच्छा है। अगर हमारे भाई अखिलेश जी और जयंत चौधरी अच्छा करेंगे तो बहुत देश के लिए अच्छा ही होगा। नवाब मलिक महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री है, नवाब मलिक सच बोलते हैं और वो कितने सच बोलते हैं आपने देखा होगा। उनको जिस तरह से ईडी के लोग घर में जाकर लेकर गए हैं, ये महाराष्ट्र सरकार के लिए एक चैलेंज है। मैं मानता हूँ कि एक कैबिनेट मंत्री को हमारे राज्य में आकर केंद्रीय जांच एजेंसी के लोग लेके जाते हैं, जांच कर सकते हैं आप, पुराने कुछ इशू निकाल कर सबकी जांच हो रही है, 2024 के बाद आपकी भी जांच हो, ये आप ध्यान में रखिए। मैं जो बोल रहा हूँ उसका परिणाम भुगतने को मैं तैयार हूँ। और से उदाहरण है आणि आम्हाला खात्री होती की आज ना उद्या कसे घडे, पण नवाब मलिक हे जाहीरपणाने बोलतात आणि त्यामुळे काहीतरी फकर करून त्यांना असा त्रास दिला जाईल याची आम्हाला खात्री होती। त्यामुळे त्यामध्ये अधिक भाषा करायची गरज नाही, तर फुलावे कशाची केस काढली तरी आता एक साधी गोष्ट आहे, काही झालं आणि विशेषतः कोणी मुस्लिम कार्यकर्ता असतात ते जाऊचं नाव घ्यायचं आणि काहीतरी कुणाचा काहीतरी समजता तर कोण काय कुठं काय माहिती नाही, पण त्याचं केलं असेल त्याच्यात काही नवीन नाही। मला तुम्हाला माहीत असेल, तुम्ही कदाचित लहान असाल त्या काळात, की ज्यावेळी मी राज्याचा मुख्यमंत्री होतो तर माझ्यावेळी असाच आरोप झाला होता आणि त्या निमित्तानं एक वार्तांतर केलं, त्याला असं झाली असेल 25 वर्ष राहील, तरी कुणा तशीच नावं घेऊन लोकांना बदनाम करणं, त्रास देणं, सत्तेचा गैरवापर करणं, आणि त्याचं मुख्य कारण की जे लोक भूमिका स्वच्छ प्रणाली मानतात केंद्र सरकारच्या विरुद्ध किंवा या विशेषतः या यंत्रणा याचा गैरवापर केला जातो, त्या एजन्सीच्या समोरही जे बोलतात त्यांना हा त्रास देण्यास। भारतीय जनता पार्टी जिस समय घबराती है इस तरह की एजेंसियों को सामने ला करके लोगों को अपमानित करती है, झूठे मुकदमे लगा करके जेल भेजती है, हमने कई बार देखा है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बताया था कि उनको खतरा है, टेररिस्ट अटैक हो सकता है विधानसभा में, कोई पुड़िया निकली थी और बाद में वो पुड़िया निकली बुरा था, लकड़ी का घिसा हुआ पाउडर, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी अपमानित।